नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किकी द ढाबा और मैं हूँ किरण कौर फहद। और आप सभी के बालों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को लेकर मैं रोज़ाना बनाती हूँ अपना ये वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मैं हूँ किरण कौर। और पिछले कई दिनों से आज ये मेरा 24वां वीडियो है। मैं एक सीरीज चला रही हूँ जिसमें कि मैं बात करती हूँ हेयर डिसऑर्डर से जुड़ी हुई। मुझे खुद टेलोजन एप्लियम की प्रॉब्लम हुई थी, जिसके बाद जब मैं ठीक हो गई तो मैंने डिसाइड किया कि इस प्रॉब्लम के बारे में आप सभी को बताया जाए, ताकि वो सारे लोग जो लगातार डिप्रेशन में आते हैं या फिर जिन्हें लगता है कि अब जिंदगी खत्म है या फिर एक बैड फेज बाल्डनेस के तौर पर हमारी जिंदगी में आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस प्रॉब्लम से आसानी से निजात पा सकते हैं, बस आपको रखनी होंगी कुछ खास बातें स्पेशली अपने दिमाग में। तो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो किरण कौर फहद मेरी आईडी है। मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर बहुत ज़रूरी हो तभी मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पर, बिकॉज थोड़ा सा मैं बिजी रहती हूँ। अदरवाइज अगर आपको कोई नॉर्मल बात करनी है तो यूट्यूब का ये कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है। जस्ट एक रिक्वेस्ट है। आज की हम बात करने वाले हैं जिसमें कि मैं कुछ टिप्स लेकर आई हूँ। जो टिप्स हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों ने सवाल किए थे, जिनको क्लब करके मैं ये चीज लेकर आई हूँ। तो पर्टिकुलरली किसी एक क्वेश्चन का जवाब नहीं है, अलग अलग चीजों का जवाब है। तो आज सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आपके जो बाल हैं वो तीन फेज में होते हैं। आप सभी लोग ये जानना चाहते हैं ना, और बहुत सारे लोग जो नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो सारे लोग ये मानते जा रहे हैं कि हमको टी हो रखा है अगर हमारे बाल झड़ रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, आप सबको टी नहीं हुआ है, सभी के साथ टी की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि मेरे को टी हो रखा है। जिसको मानसून वाला प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो भी सोच रहा है कि मेरे टी हो रहा है। टीई जब तक कोई बहुत एक्सट्रीम कंडीशन नहीं होती है तब तक नहीं होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको तीन फेज जो होते हैं वो उनके बारे में बताती हूँ। एक फेज हमारा जो होता है, फर्स्ट फेज जो होता है हमारे बाल का, उसको हम बोलते हैं एंजिन। हो सकता है मैं गलत हूं इसको बोलने में। तो ये एंजिन का जो फेज है, इसको आप ऐसे समझिए, मेडिकल भाषाओं को गोली मार दीजिए, उसको आप इस तरीके से समझिए कि एक ऐसा फेज होता है जिसमें बाल बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, उनमें शाइन बनी रहती है, वो बहुत अपनी एक लॉन्ग हेयर ग्रोथ लेते हैं। लाइक अगर आपके बाल कमर तक बढ़ते हैं तो वो कमर तक जाते हैं, शोल्डर तक बढ़ते हैं तो वो शोल्डर तक जाते हैं। मतलब जो एक कंसिस्टेंसी बालों की, कंसिस्टेंसी नहीं, एक लेंथ जो बालों की होती है वो उस तक बढ़ते हैं, ये होती है एंजिन फेज। हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। फर्स्ट फेज मतलब कि एक ऐसी फेज जिसमें कि आपके बालों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है। जो भी आप खाते हैं वो प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन के जरिए आपके बालों पर नजर आता है और आपके बाल हेल्दी रहते हैं, ना तो वो टूटते हैं, उनमें शाइन भी होती है और वो प्रॉपर हेयर ग्रोथ उनकी होती है। एक फेज। दूसरा फेज जो होता है वो होता है केटोजन। केटोजन जो फेज होता है, हो सकता है मैं यहाँ पर भी ये नाम गलत ले रही हूँ, अगर मैं ऐसा गलत कर रही हूँ तो प्लीज मुझे सॉरी मेरी मान लीजिएगा, क्योंकि मैंने ठीक से इसके बारे में स्टडी नहीं किया, सिर्फ थॉरली ये पढ़ लिया कि वो फेज कौन से होते हैं। तो आप बेसिकली उसको समझना चाहते तो उसको सेकेंड फेज के तौर पर समझिए। सेकेंड फेज एक ऐसा फेज होता है जिसमें कि हमारे बाल टूटते तो नहीं है लेकिन बढ़ना बंद हो जाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो ये कहते हैं कि हमारे बाल ही नहीं बढ़ते, हमारे बाल इतने रह जाते हैं, पता नहीं क्यों हमारे बाल ही नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे बाल नहीं बढ़ रहे। आप सभी को ऐसा लगता है। वो जो फेज होता है वो केटोजन होता है। वो केटोजन क्या स्टेज है जिसमें आपके बाल बढ़ना बंद हो जाते हैं। फर्स्ट स्टेज मैंने क्या बताई, जिसमें बाल हेल्दी रहते हैं, न्यूट्रिशियस रहते हैं, चमकदार रहते हैं, शाइनी रहते हैं और अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं। सेकेंड स्टेज जिसमें बालों की ग्रोथ होनी बंद हो जाती है। बाल टूटते तो नहीं है लेकिन उतने हेल्दी भी नहीं होते और बढ़ते भी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? आप अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट लेना बंद कर देते हो। और तीसरी चीज होती है टेलोजन, जो हम कहते हैं टेलोजन एफ्लियम हो गया, टेलोजन एफ्लियम हो गया, वो तीसरी एक स्टेज होती है जब आपके अंदर का न्यूट्रिएंट लेवल इतना कम हो जाता है कि बाल रेस्ट करना शुरू कर देते हैं और झड़ने लग जाते हैं। क्यों रेस्ट में चले जाते हैं? आपकी बॉडी से मिनरल्स कम हो जाते हैं, विटामिन कम हो जाते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज बालों को चाहिए, प्रोटीन चाहिए, आयरन चाहिए, विटामिन B12 चाहिए, या उनको फॉलिक एसिड चाहिए या उनको एमिनो एसिड चाहिए, वो सारी चीजें उनको मिलनी बंद हो जाती हैं। बंद क्यों हो जाती हैं? आप तो कहते हैं कि भाई
मैं तो प्रॉपर डाइट ली, मैंने तो सब कुछ खाया, फिर भी मेरे बाल झड़ने लग गए, या ये क्यों हो रहा है ना? वो इसलिए होता है क्योंकि आप बीमार पड़ते हैं, आपकी कोई सर्जरी होती है, या फिर आपको बहुत भयंकर कोई स्ट्रेस होता है, या फिर आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, किसी का जब कोई अपना चला जाता है, इतना दुख हो जाता है शरीर को, मेंटली फिजिकली इतना दर्द पहुंचता है कि वो ट्रॉमा बॉडी झेल नहीं पाती और बाल रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं, जिसकी वजह से बाल टेलोजन की स्टेज में आते हैं। तो पहली है जिसमें बाल बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, दूसरी है जिसमें बाल बढ़ना बंद हो जाते हैं, तीसरी है जिसमें बाल बढ़ते भी नहीं है और झड़ते भी हैं। ओके, समझ में आई ये तीनों चीजें? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक किसी ने मुझसे सवाल पूछा था कि दी आप ये सब वीडियो बनाओ कि प्रेगनेंसी में जो दवाएं लेते हैं क्या उसकी वजह से बाल झड़ते हैं। हालांकि मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं प्रेगनेंसी के दौर से नहीं गुजरी हूं, तो मुझे उनके बारे में नहीं मालूम। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी डॉक्टर, क्योंकि जो भी महिला आज के टाइम पे, तो सब जगह अच्छा इलाज है और सब जगह ट्रीटमेंट भी मिलता है, तो महिला जो है अगर प्रेगनेंसी के फेज में है तो वो जाती हैं, उनको प्रॉपर मेडिकेशन होता है, उनको अच्छे तरीके से डॉक्टर सजेस्ट करते, तो उसकी वजह से डॉक्टर उनको कभी गलत दवाई नहीं दे रहे होंगे। तो एक्चुअली तो स्थिति ये है कि जो एनर्जन फेज है, जो एनर्जन फेज जो कि फर्स्ट फेज मैंने आपको बताया, महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान उस फेज में होती हैं, यानी कि बाल बहुत अच्छे बढ़ते हैं, बालों के चमकदार हो जाते हैं, बालों में शाइन आ जाती है, स्किन भी ग्लो करती है। क्यों? आप बहुत अच्छा अच्छा खा रहे होते हो, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, आपका दिल करता है मैं खट्टा खाऊं आप खट्टा खाते हो, आपका दिल करता है मीठा खाऊं आप मीठा खाते हो, आप बहुत सारे फल खाते हो, आप होता है ना कि भाई आप माँ बनने वाले हो तो आप अच्छी से अच्छी डाइट खाते हो, आप न्यूट्रिशियस डाइट खाते हो, फल खाते हो, बहुत सारी सब्जियां खाते हो, दालें खाते हो, जो आपका दिल कर रहा होता है, बिकॉज आप अंदर से खुश होते हो, तो वो एनर्जन फेज होता है। ठीक है, अब पोस्ट प्रेगनेंसी जो स्टेज है वो टेलोजन है। ठीक है, अब आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो रही होगी चीजें कि क्या है टेलोजन और क्या है एनर्जन। तो टेलोजन फेज क्या है? पोस्ट प्रेगनेंसी वाला, जिसमें बाल बहुत झड़ जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा बॉडी में कम हो जाता है और बहुत सारे मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स कम होते रहते हैं, क्योंकि मम्मा जो है वो बेबी को फीड कराती हैं, तो उस दौरान वो कम होते चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर जो है आपको कुछ इस तरीके के विटामिन मिनरल्स सजेस्ट कर सकते हैं जिनकी वजह से इस फेज से भी निकला जाता है, और अगर प्रॉपर डाइट ली जाए और अगर प्रॉपर तरीके से डॉक्टर की सलाह मान ली जाए तो ये फेज भी बहुत लंबा नहीं चलता है। जल्दी ये प्रेगनेंसी के बाद जो बाल झड़ने की दिक्कत है वो लगभग 5 से 6 महीना रहती है, क्योंकि आप बेबी को भी फीड कराते हो, आपकी डाइट उतनी अच्छी नहीं हो रही होती है, मतलब आप तो अच्छा ले रहे हो बट आपका न्यूट्रिशन आपका बेबी भी ले रहा है, तो आपको थोड़ा सा तो बेयर करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको पोस्ट प्रेगनेंसी या फिर प्रेगनेंसी के दौरान की चीजों के बारे में जानना है तो मेरा आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और उन्हीं की बातों को मान के, वो भी जो आपको सप्लीमेंट देते हैं या फिर जो भी डाइट सजेस्ट करें वो फॉलो करें, क्योंकि मैं आई एम नॉट द एक्सपर्ट फॉर दैट। सो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप डॉक्टर की सलाह माने, और ना ही मैं प्रेगनेंसी के फेज से गुजरी हूं या मुझे उसका कोई एक्सपीरियंस है, तो मैं ठीक से सलाह भी नहीं दे सकती। अब एक बात जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, विटामिन सी। विटामिन सी इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर हेयर। अब आप कहेंगे विटामिन सी का क्या लेना देना, वो तो विटामिन सी है, विटामिन सी से तो इम्यूनिटी बढ़ती है। विटामिन सी का एक चक्र है, आपने विटामिन सी खाया, विटामिन सी ने बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाई, इम्यूनिटी बढ़ी तो आपको रोगों से लड़ने की ताकत मिली, आप बीमार नहीं पड़े, तो यहाँ पे आपके बाल नहीं झड़े और आप क्या हो गए, हेल्दी। तो कौन सी फेज रह गई? एनर्जन। समझ में आया? इसके अलावा, अच्छा दोबारा से समझाती हूँ, विटामिन सी बॉडी में गया, इम्यूनिटी बढ़ी तो आपको बीमारी नहीं हुई, और बीमारी नहीं हुई तो आपको टेलोजन नहीं हुआ, और टेलोजन नहीं हुआ तो आपके बाल चमकदार शाइनी यानी कि एनर्जन फेज में रहे। ठीक, अब आप कहेंगे कि विटामिन सी, ठीक है चलो मान लिया आपने, मेरे पर मान लिया, लेकिन विटामिन सी इसलिए जरूरी है मेरे दोस्तों क्योंकि वो आयरन को एब्जॉर्ब करने की ताकत देता है। जैसे विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने की ताकत देता है बॉडी में, ऐसे ही विटामिन सी आयरन को एब्जॉर्ब करने की ताकत देता है। अगर बॉडी में आयरन नहीं है बाल टूटने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो विटामिन सी के लिए आपको क्या क्या खाना है? विटामिन सी के लिए आपको खाना है कीवी,
अगर आपको लगता है कि भाई कीवी आई थिंक बहुत महंगा फल है तो आप छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, मत खाओ। क्या खाना है? पपीता। पपीता बहुत अच्छी चीज है। आधा कटोरी अगर आपने दिन में पपीता खा लिया, पेट ठीक रहेगा, बीमारियां नहीं होंगी, बाल अच्छे रहेंगे, वजन घटेगा, तो आधा कटोरी पपीता खा लीजिए, ठीक है। और क्या खाना है? आंवला खा लीजिए, मुरब्बा खा लीजिए, जूस पी लीजिए, अचार बना के खा लीजिए, सब्जी बना के खा लीजिए। क्या खाइए? ऑरेंज खाइए। ऑरेंज तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है, ऑरेंज किन्नू ये जो है दोनों चीजें आप खा सकते हो। टमाटर खाइए। टमाटर तो आप डाइट में जरूर 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 अपनी डाइट में शामिल कीजिए। बहुत बार क्या होता है कि हम उसके बीजों के डर के मारे उसको शामिल नहीं करते हैं, लेकिन टमाटर बहुत ही अच्छी चीज है। लाइकोपीन होता है उसके अंदर जो कैंसर से बचाता है, और स्किन को हेल्दी बनाने के लिए भी हमें टमाटर जरूर खाना चाहिए। तो ये दो चीज, ये सारी चीजें आपको ऐड करनी है अपनी डाइट में। अच्छा, अब आयरन जो है, आयरन अगर बॉडी में नहीं हुआ या हीमोग्लोबिन बॉडी में कम हो गया तो बाल 101% झड़ेंगे ही झड़ेंगे। अगर आपको मॉनसून की वजह से हेयर फॉल नहीं हो रहा है, आपको टेलोजन की वजह से हेयर फॉल नहीं हो रहा है, आपको एलोवेशिया नहीं, और आपको नहीं पता कि आपको क्या स्यापा हुआ पड़ा है, तो आप क्या करो, आप एक सीबीसी टेस्ट कराओ। सीबीसी क्या है? कंप्लीट ब्लड काउंट। यहाँ पे इंजेक्शन लगता है हाथ पे, और उसके थ्रू ब्लड ले लिया जाता है, और कंप्लीट ब्लड काउंट में वो आपको ये बता देते हैं कि आपकी बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन है। अगर 12 से 13 के बीच से कम है आपका हीमोग्लोबिन, इसका मतलब आयरन डेफिशिएंसी बॉडी में है, जो कि आपके लिए चक्कर आना, थकान और बाल झड़ने जैसी समस्याएं आपको दे सकती है। कई बार स्किन भी पीली पड़ने लग जाती है जब आयरन की कमी होती है। खाना क्या क्या है आयरन ना हो? कोई भी दवा लेने के लिए जाओगे यार, पैसा भी खराब करोगे, डॉक्टर को दिखाओगे, हमारे यहाँ तो 500 रुपये से कोई डॉक्टर शुरू मतलब कम में नहीं होते हैं, तो राजस्थान में तो डॉक्टर को दिखाना है तो 500 रुपये देने हैं, तो 500 रुपये दोगे, फिर उनका एक टाइमिंग लोगे, अपना भी कीमती टाइम निकालोगे, फिर उनसे सजेशन लोगे, उससे बेहतर पहले खुद को ट्रीट कर लो डाइट के जरिए। नहीं हो पाता है तो डॉक्टर के पास जाओ अगर इस तरीके की समस्या है। खाना क्या क्या है? खाना है आपने व्हीट ग्रास। आपको ध्यान है जब आप नवरात्रे होते हैं तो जौंप होते हैं, है ना, दैट इज व्हीट ग्रास। उसको उस हरेला भी बोलते हैं कई स्टेट्स में, उसको काट लो। उसको काटने के बाद मिक्सी में पीस के उसको पी लो, पानी डाल के मतलब पीसना है, जूस बनाना है एक तरीके का। व्हीट ग्रास इज द ग्रीन ब्लड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आयरन की कमी होने पे, बाल झड़ने पे, हीमोग्लोबिन घटने पे आप वो हरा जूस पी लो, आपकी समस्या 101% दूर हो जाएगी। सारे नट्स खाओ, ठीक है, पालक खाओ, और जो लोग मीट खाते हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, उनको चिकन लीवर खाना चाहिए, बहुत ही अच्छा सोर्स है आयरन का, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्या ऐड करनी है? ब्रोकली ऐड करनी है, पालक ऐड करनी है, जितने भी मेवे हैं वो ऐड करना है, और व्हीट ग्रास ऐड करनी है डाइट में अगर आयरन की कमी है तो। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सबको पसंद होंगे, राजमा चावल धड़ल्ले से खाओ। धड़ल्ले से मतलब कि अगर आप हफ्ते में 1 से 2 बार राजमा खाते हैं तो प्रोटीन बहुत अच्छा मिलता है, बहुत ही अच्छा प्रोटीन मिलता है। अगर आपको लगता है कि यार मैं वेट लॉस कर रही हूँ और दीदी बोल रही है कि राजमा चावल खा लो, तो मत खाओ ऐसे। राजमा भिगाते तो है ही, बॉयल करने से पहले भिगा लिया जैसे, और फिर उसके बाद उसको बॉयल कर लिया, नमक मिर्च डाल के जो भी आप करना चाहते वो कर लिया, उसके साथ आप क्या करो, उसके साथ स्वीट कॉर्न ऐड करो, उसके साथ खीरा ऐड करो, उसके साथ आप मशरूम ऐड करो, एक सैलेड सा बना लो, और फिर बीन सैलेड बना के उसको खा लो, ठीक। अच्छा, आप बोलेंगे कि मेरे तो बाल झड़ी जा रहे हैं, मैं क्यों करूँ ये सब तमाशा। आपको इसलिए करना है, अगर मान लीजिए कि आपको लग भी रहा है कि मेरे बाल नहीं आ रहे, मेरे बाल जा चुके, फॉलिकल्स डेड ना हो जाएं, इसके लिए आपको हेल्दी डाइट रखनी है। फॉलिकल्स को डेड होने से बचाने के लिए, रूट को हेल्दी बनाने के लिए, नरिशमेंट देने के लिए आपको ये सारी चीजें खानी ही खानी है। जो लोग नॉनवेज खा सकते हैं वो चिकन, एग, फिश खाएं। एग ऐसी चीज है ना, इसको आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों टाइम खा सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी इस पूरी रिसर्च में, कोकोनट को डाइट में शामिल कीजिए। पता नहीं मैंने क्यों इतने दिनों तक आपसे बात ही नहीं करी कोकोनट के बारे में। कोकोनट को किस तरह से ऐड करना है? कोकोनट पानी तो आप पीते होंगे, नारियल पानी, है ना, अगर नहीं पीते हैं तो ऐड कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि बहुत महंगा सौदा है और रोज के 40-50 रुपया खर्च होता है, सूखा नारियल आता है
है ना, गोला बोलते हैं जिसको, वो ले आइए। और जैसे मम्मी है तो मम्मी के साथ टाइप कर लीजिए, दीदी है तो दीदी के साथ टाइप कर लीजिए, भाभी है तो भाभी के साथ कर लीजिए, मतलब जो भी फीमेल मेंबर है आपके घर में उनके साथ टाइप कर लीजिए। उनको भी नहीं करना है तो भाई बहन जो भी है आपके साथ उनके साथ एक के साथ टाइप कर लीजिए। एक जो पूरा साबुत नारियल की जो चटनी बनती है ना, वो चटनी बना के अपने फ्रिज में रख लीजिए। और जैसे आप लहसुन की चटनी खाते हैं या मिर्च की चटनी खाते हैं या धनिया या पुदीने की चटनी खाते हैं ना, ऐसी एक एक चम्मच अपने मील में ऐड कीजिए रोज। एक चम्मच भी बहुत है। जो नारियल का नेचुरल ऑयल होता है जब वो आपकी बॉडी को मिलेगा, आपकी बॉडी को बहुत बहुत फायदा होगा। तो इस तरीके से आप नारियल को अपने डाइट में ऐड कर सकते हो। इसके अलावा कोकोनट मिल्क ले सकते हो। कोकोनट मिल्क मार्केट में भी मिलता है, लेकिन अगर आप चाहो तो खुद भी उसको बना सकते हो। कैसे, जो सूखा हुआ नारियल है, सॉरी जो गीला वाला नारियल होता है, पानी वाला नारियल, वो लेकर आओ। दो नारियल ले आओ, उनको सबको छोटे 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 बारीक काट लो, मिक्सी में पानी डाल के अच्छे से चला लेना आपने, बहुत ही अच्छे तरीके से। और फिर उसको एक सूती कपड़ा लेके उसको स्क्वीज करना है, जैसे मैंने आपको फ्लेक्सिब जेल में दिखाया था ना कि उसको स्क्वीज किया था, ऐसे ही स्क्वीज कर लो तो जो मिल्क निकलेगा दूध की तरह निकलता है, वही है आपका कोकोनट मिल्क। उस मिल्क को आप रोजाना, मतलब वो इतना हो जाता है कि वो 3 से 4 दिन तक चल सकता है, हफ्ते में 3 से 4 दिन तक आप उसको ले सकते हैं। एक चीज आप और कर सकते हैं, जैसे वो निकल गया है ना, तो या फिर आप मतलब बस उसको आपने छान लिया दूध को ऐसा पीस के, और आपने बस छान लिया ताकि वो जो बुरादा टाइप का नारियल का हो गया है वो अलग हो गया और दूध अलग हो गया, उसको आपने फ्रिज में निकाल देना है, रख देना है। जैसे मम्मियां नहीं करती है जब वो घी निकालती है, ऐसे बस आपको रख देना है। आप जब दिन भर के लिए मतलब 24 घंटे के लिए फ्रिज में उस दूध को रख देंगे ना, ऊपर एक क्रीम जम जाएगी, वो मिल्क कोकोनट क्रीम होती है, उस कोकोनट क्रीम को आप निकाल के अपने किसी डिब्बे में भर के रख लीजिए, उसको स्कैल्प पे लगाइए, बहुत ही अच्छा नरिशमेंट देती है। स्किन पे लगाइए, बहुत ही अच्छा नरिशमेंट देती है। तो ये टिप भी आप कर सकते हो। तो बेसिक छोटी छोटी चीजों से जुड़ा हुआ ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड यस प्लीज, आज बहुत ही अमेजिंग सी चीज हुई, अमेजिंग नहीं बैड हुई, गलत वर्ड यूज कर दिया, बैड चीज हुई। मैं सुबह उठी एंड वैसे मुझे कोई हक नहीं है कि मैं अपनी पेल पूरी डेली रूटीन आपको बताऊं, लेकिन यार मैं सुबह उठ के ना पढ़ती हूँ, तो मैं सुबह उठी एंड मैंने सुबह उठते ही एक कमेंट देखा जिसमें किसी ने लिखा कि आई एम क्विटिंग दिस वर्ल्ड। आप समझ नहीं सकते हो कि मेरे लिए वो कितना शॉकिंग था, और मुझे लग रहा था कि मैंने उसको पूछा कि ऐसा क्यों लिख रहे हो, और उन्होंने बोला कि मतलब उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो लिख के चले गए, वो तो चले गए लिख के। अब मैंने पढ़ा, मेरा पढ़ने में दिमाग नहीं लग रहा था, मैं लगातार ये सोच रही थी यार अगर उसने अपने आप को हार्म पहुंचा लिया या उन्होंने कुछ अपने साथ गलत कर लिया, उनके पेरेंट्स का क्या होगा, मतलब वो दिमाग में मेरे चलता रहा। मैं लगातार वही सोच रही हूँ कि क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है। एंड देन फिर मैं पार्क जाती हूँ, पार्क में भी लगातार मैं ऐसी अजीब सा मेरा मुंह बना हुआ था। मेरे हस्बैंड ने पूछा क्या बात हुई है, मैंने बोला कि यार ऐसे ऐसे कॉमेंट आया था, अजीब सा लग रहा है, पता नहीं सोच। पूरा टाइम वही सोचती रही, वहां से आई तो फिर वही सवाल देखा, फिर सोचा कि यार इससे कुछ बात करूं, कैसे उसको रोकूं अगर सब ठीक हो, मतलब भगवान से यही प्रेयर करती रही कि इस बंदे ने कोई गलत स्टेप न लिया हो। कुछ टाइम के बाद खैर उसने कमेंट किया, और मतलब उसने बोला कि इसको टी की प्रॉब्लम हो रही है। देखो यार दोस्तों, आपको प्रॉब्लम हो रही है मैं समझती हूँ, पर ऐसे किसी को शॉक मत लाओ कि वो इंसान इतना परेशान हो जाए। मतलब मैं ऐसा नहीं, मेरे लिए ये चैनल चलाना इसलिए नहीं कि मेरे को कोई पैसा आ रहा है या मेरे कोई बहुत बड़ी जागीर खड़ी हो जा रही है इससे, ये सब मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मेरे लिए मायने रखता है आप लोग जो कि परेशान हो, डिप्रेशन में हो। मैं नहीं चाहती कि कोई अपनी जिंदगी को ऐसे तबाह कर दे। और आप मेरे को सोचने से क्या होगा, आप सोचो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कुछ नहीं किया है क्या यार, आप एक सेकंड में अपनी मतलब बर्बादी लगाने वाली चीजें सोचते हो अपनी जिंदगी को, कुछ मायने नहीं रखता। अपनी माँ के बारे में सोचो, कितने कष्ट झेल के 9 महीने तक अपने अंदर अपने आपको रख के उन्होंने पैदा किया है। फालतू में इस तरीके की चीजें सोचते हो, कितना डिप्रेसिव चीज है। पता है जो चला जाता है वो तो चला जाता है, जो उसके पीछे रह जाता है उसके लिए जिंदगी कितनी बुरी हो जाती है। सोच के देखो यार, इतने नेगेटिव थॉट कैसे यार, मतलब मैं समझती हूँ परेशानी होती है, मैं भी उस दौर से गुजरी हूँ, बट एटलीस्ट यू हैव समवन कि कोई आपको बता रहा है। और मैं तो यार आपसे कुछ भी नहीं मांग रही, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इन चीजों को फॉलो कर लो ना यार थोड़े दिन फॉलो। ऐसे नेगेटिव थॉट्स लाके कैसे काम चलेगा, ऐसे नहीं करना यार, बिल्कुल नहीं करना प्लीज। और ऐसे नेगेटिव कमेंट्स कभी मत लिखना यार, मेरे लिए भी वो टॉर्चर होता है और मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती कि कोई ऐसे मैं उस कम्युनिटी का हिस्सा बना कोई बंदा और वो कल को अपनी लाइफ तबाह कर ले, ऐसा नहीं करना है हमको, ठीक है।
प्लीज अपनी पेरेंट्स के बारे में सोचिए. आज आप देखिए सुशांत सिंह राजपूत जी आज इस दुनिया में नहीं है, उनके दीदी का, उनकी बहनों का, उनके पापा जी का क्या हाल हो रहा है. प्लीज यार मेरी रिक्वेस्ट है, मैं बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज ये सब मत करना, प्लीज 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 मत करना ये सब. ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो और राजमा चावल मैं आज बनाने जा रही हूँ. आप भी अच्छी अच्छी डिश खाना, को हेल्दी रखना और खुश रहना. मेरा जो है खाना जल्दी से बन जाए क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई, मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ. तो मैं ही आपके साथ अभी अलविदा कर देती हूँ. आपको खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मस्त रहिए. मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मस्त रहिए. कोई ज़रूरी बात हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट जो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ही कर सकते हो, तो किरण कौर फाहद मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे चले आओ, बातचीत करेंगे और मसले का हल निकालेंगे. मरना नहीं है प्लीज, ठीक है, और मस्त रहो यार, लाइफ एक ही बार मिली है. ठीक, तो आज का वीडियो ये एंड करते हैं. खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर.